Friends, today I am taking chapter from section number 3 and chapter name is essential for a school bus. Essential means जरूरी है ना, जिसकी आपको need रहती है for a school bus. School की bus क्यों जरूरी है. Now let's start our chapter. School should follow the instruction to the traffic police regarding the guidelines for the school buses. जो स्कूल होता है वो हमेशा क्या करता है, जो स्कूल के बसेस में जो अपने ये पियोन होता है, एक बॉय खड़ा रहता है ना, और एक जो ड्राइव कर रहा होता है उसको क्या मिलते हैं, इंस्ट्रक्शन मिलते हैं. लेट्स रीड हाउ आवर स्कूल बस कैन बी मेड सेफ. चलो पढ़ते हैं कि हम अपनी स्कूल की बस को कैसे सेफ बना सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. स्कूल बस मस्ट बी रिटन ऑन इट्स बैक एंड फ्रंट. हमेशा आपने देखा होगा स्कूल की बस के पीछे और आगे लिखा होता है स्कूल बस, है ना. इट इज ए हायर्ड बस. क्यों? क्योंकि ये एक हायर करी हुई बस हुई है, यानी किसी से ली हुई बस होती है. ऑन स्कूल ड्यूटी शुड बी क्लियरली इंडिकेटेड इट मस्ट हैव ए फर्स्ट एड बॉक्स एंड ए फायर एक्सटिंग्विशर. मतलब बस के अंदर आपने देखा होगा कि स्कूल की ये ड्यूटी है कि उस बस के अंदर जो है एक तो क्या नाम है आपका ये फर्स्ट एड बॉक्स और फायर एक्सटिंग्विशर लगाकर रखें. द नेम ऑफ द स्कूल एंड द टेलीफोन नंबर मस्ट बी रिटन ऑन इट. और आपने ये भी देखा होगा कि जब स्कूल की बस चलती है स्कूल बस लिखा होता है, साइड में स्कूल का नाम लिखा होता है और स्कूल का फोन नंबर लिखा होता है. वो क्यों लिखा होता है? मान लो कभी कोई मिस हैपनिंग हो जाए, रास्ते में कोई बात हो जाए, तो उसी टाइम क्या है बाहर वाले उस नंबर को देख के इमिडिएटली स्कूल को कॉल कर सके. इसलिए ये सब इंफॉर्मेशन लिखना कंपलसरी होता है. और एक स्कूल की बस हमेशा याद रखना आप, येलो कलर की पेंट होती है. येलो कलर स्कूल का सिंबल है. जो बस होगी स्कूल की वो येलो कलर की होगी. इट मस्ट हैव एन अटेंडेंट फ्रॉम द स्कूल. अब तो आप मैंने आपको बताया लड़का होता है, वो लड़का कौन होता है? अटेंडेंट. वो उस बस में रहता हैगा, ठीक है. और एक ड्राइवर होता है. इन 2003 138 माइनर्स वर किल्ड ऑन सिटी रोड. 2003 में क्या हुआ था, जो 138 माइनर्स थे वो उसमें क्या हो गए थे, रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे. मैनी ऑफ दीज वर चिल्ड्रेन ट्रेवलिंग टू एंड फ्रॉम स्कूल. बहुत सारे बच्चे जो है स्कूल से मिस ट्रेवलिंग कर रहे थे. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा 157 बॉयज एंड 87 गर्ल्स वर इंजर्ड इन एक्सीडेंट. उस एक्सीडेंट में माइनर्स वाले होता है नाबालिग बच्चे. 138 तो नाबालिग बच्चे डेड हो गए, उसमें डेथ हो गई उनकी. और 157 लड़के और 87 लड़कियां उसमें बुरी तरह से एक्सीडेंट में क्या हो गई, घायल हो गई. These are just recent examples of how risky it has become for children to travel to school. अब क्या हुआ, ये एग्जाम्पल बन गया कि ये कितना रिस्की है जो बच्चे बस में ट्रेवल करते हैंगे. The Delhi Traffic Police say they have been trying to discipline school bus driver. जो दिल्ली पुलिस है वो, दिल्ली पुलिस क्या कहती है, दिल्ली की जो ट्रैफिक पुलिस है वो ये बोलती है कि हमें स्कूल की बस में क्या है, डिसिप्लिन बना के रखना चाहिए. डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन बना के हमको रखना चाहिए ताकि कोई भी घटना नहीं घट सके. क्योंकि दिल्ली में जब इतनी, और दिल्ली में क्या होता है आए दिन घटना होती है, कोई ना कोई जो है या तो दूसरा एक्सीडेंट होगा या स्कूल की बसेस का होगा. वहाँ क्या है बहुत ज़्यादा लापरवाही है, कोई भी अटेंडेंट इतना ध्यान नहीं रखता है, तो उसका नतीजा किसको भुगतना पड़ता है, पेरेंट्स को. तो ये सब आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कि एक स्कूल की बस में क्या क्या होना जरूरी है और क्या क्या उसके लिए एसेंशियल है. नाउ लेट्स कम नेक्स्ट पेज. बस अनट्रेन एंड सेमी ट्रेन ड्राइवर्स एट टाइम्स टू मैनेज द फाइंड एम्प्लॉयमेंट. क्या होता है, स्कूल एम्प्लॉय करता है बस के कंडक्टर को, अटेंडेंट को, किसी को एम्प्लॉय. अब उसको ये देखना पड़ेगा कि वो जो अनट्रेंड है, अनट्रेंड मीन जिसको कुछ नहीं आता, ट्रेंड मीन्स जो हर काम में परफेक्ट हो, और अनट्रेंड मीन जिसको कुछ नहीं आता. अब वो कह रहे हैं बट अनट्रेंड द सेमी ट्रेंड. एक तो ट्रेंड होता है, अनट्रेंड होता है जो कुछ नहीं आता, एक सेमी होता है जो कुछ कुछ क्या होता है, ट्रेंड होता है. ड्राइवर्स एट टाइम्स डू मैनेज द फाइंड एम्प्लॉयमेंट. कई बार देखा होता है स्कूल में अनट्रेंड और ट्रेंड दोनों ही ड्राइवर को एम्प्लॉय कर लिया जाता है, उनको रख लिया जाता है कम पैसों की वजह से. द प्रॉब्लम इज दैट, परेशानी ये है, देयर आर सेवरल स्कूल हु विल डू नॉट कन्फर्म टू सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस फॉर स्कूल बसेस. बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो
सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं। जो हमें कोर्ट ने गाइडलाइंस दे रखी हैं कि हमें बच्चों के लिए क्या क्या करना है, एक बस में कितने बच्चे होने चाहिए, कोई बच्चा बस में लटका हुआ ना हो, किसी के विंडो के कांच कैसे हैं, उसमें अटेंडेंट है कि नहीं है, उसका ड्राइवर कैसा है, ट्रेंड है कि सेमी ट्रेंड हैगा, उस बस में स्कूल का नंबर है कि नहीं है, उस बस में फायर को बुझाने के लिए है कि नहीं है, और इस ये जो फायर की फैसिलिटी है कि नहीं है और क्या नहीं है उसमें, सारी चीज़ें बस के अकॉर्डिंग उसमें है कि नहीं है, ये सब क्या होता है देखना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे रखी है कि ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। द ट्रैफिक पुलिस हैव बीन प्रोसिक्यूटिंग बसेस एंड कॉमर्शियल व्हीकल्स। प्रोसिक्यूटिंग कहते हैं अभियोग, और कॉमर्शियल मीन्स व्यवसाय। जो दिल्ली पुलिस ट्रैफिक पुलिस है उसने क्या कर रखा है, एक अभियोग और ये व्यवसायिक व्हीकल्स बना रखे हैं। विच आर द कॉज मोस्ट ऑफ द एक्सीडेंट इन दिल्ली, इसीलिए दिल्ली में सबसे ज़्यादा बसेस के एक्सीडेंट होते हैं। फॉर रश एंड निग्लिजेंट ड्राइविंग, रश मतलब जल्दीबाजी, निग्लिजेंट मतलब लापरवाही। जब ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, रश एंड निग्लिजेंट, तो क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी परेशानी किसको भुगतनी पड़ती है, पेरेंट्स को। द ट्रैफिक पुलिस से पेरेंट्स शुड इंश्योर डेट द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज टू फेरी देयर चिल्ड्रेन टू एब्सोल्यूट सेफ एंड पीपल शुड प्ले द रोल ऑफ विजिलेंट ऑब्जर्वर्स। विजिलेंट कहते हैं सतर्क, और ऑब्जर्वर जो उसके परिवेश उस पर ध्यान दी ऑब्जर्व किया जाता है। द ट्रैफिक पुलिस सेज पेरेंट, जो ट्रैफिक पुलिस होती है पेरेंट से कहती है कि आपको क्या करना चाहिए, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का मोड कैसा है, यूज टू फेरी दे चले उनके बच्चों के लिए जो यूज़ किया जाए वो एब्सोल्युटली सेफ है कि नहीं है, बिल्कुल उसमें बच्चों को परेशानी तो नहीं हो रही है। पीपल शुड प्ले द रोल ऑफ विजिलेंट ऑब्जर्वर, और पीपल को उसमें क्या करना चाहिए, लोगों को सतर्क पर्यवेक्षकों के रूप में उसमें ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, जाके देखना चाहिए कि हमारे बच्चे को बस में फुल फैसिलिटी मिल रही है या कोई उसको हार्म तो नहीं हो रहा है, बच्चा सही से बैठा हुआ है, ऐसा नहीं हो बस ड्राइवर ने ज़्यादा बच्चों को लोड कर रखा हो जिससे एक्सीडेंट की संभावना हो। तो ये सब किसको ऑब्जर्व करना चाहिए, लोगों को। दे शुड नोट डाउन वॉलेंटियर्स कमिटेड बाई स्कूल बसेस एंड रिपोर्ट दिस टू द स्कूल अथॉरिटीज। उन्हें क्या करना चाहिए, जो बस का पालन नहीं कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन नहीं मान रहे हैं, या बस के रूल्स का उल्लंघन कर रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें किसको बतानी चाहिए, अथॉरिटीज़ को जाके, जो स्कूल की जो मेन अथॉरिटीज़ को जाके आपको बतानी चाहिए कि आपकी बसेस में ये सब चल रहा है और हमारे बच्चे सेफ नहीं हैं। There is also a need for parents to educate their children about traffic rules and encourage them to complain about rush drivers. Next point ये है कि parents को बहुत aware होना जरूरी है, क्या कि वो बच्चों को बस के traffic rules की जो भी कोई rules है उनकी educate करें, उनको पढ़ाएं और उनको encourage करें, encourage मतलब प्रोत्साहित करें, क्या टू कंप्लेन अबाउट रश ड्राइवर्स, जो जो रश ड्राइवर्स है, जल्दीबाजी के ड्राइवर है, उनकी कंप्लेंट अथॉरिटी को जाके की जाए कि हमारे बच्चों को ऐसे ऐसे परेशानी है और आपका ड्राइवर बहुत फास्ट स्पीड में बस चला रहा है। द पीपल हैव आल्सो इश्यूड डिटेल्ड गाइडलाइंस फॉर स्कूल एंड टीचर्स एज वेल। अब क्या है, इन्होंने आपको तीन गाइडलाइंस दी हैं, जो यानी स्कूल, जो स्कूल भी फॉलो करेगा, टीचर्स भी फॉलो करेंगे और ड्राइवर्स को भी पता होनी चाहिए। पहला, चिल्ड्रेन शुड बी सुपरवाइज एंड टेकन केयर ऑफ एट दैट टाइम एट लाइटिंग एंड बोर्डिंग द स्कूल बस। जब बच्चा बस में बैठ गया है तो उसको अच्छी तरह सुपरवाइज करना चाहिए, उसका ध्यान देना चाहिए जब वो स्कूल के अंदर, बस के अंदर बैठ चुका है। सेकेंड, देयर शुड बी रेगुलर चेकिंग ऑफ स्कूल बस, रोज स्कूल बस की चेकिंग होनी चाहिए, उस बस में फायर को उसका बुझाने का है कि नहीं है, उसमें क्या है अलार्म लगा है कि नहीं है, उसमें बस का अटेंडेंट है कि नहीं है, सब चीज़ में रोज चेक करनी चाहिए, रेगुलर चेकिंग होनी चाहिए टू इंश्योर कंप्लेंट्स विद मैंडेटरी सेफ्टी रिक्वायरमेंट। और जो क्या है, जो भी कंप्लेंट्स है वो अनिवार्य आवश्यकताओं के रूप में अनिवार्य होनी चाहिए, उसकी कंप्लेंट्स की जानी चाहिए। एनी वॉयलेशंस शुड बी रिपोर्टेड टू ट्रैफिक पुलिस, यातायात पुलिस को जो है क्या है, कोई भी अगर मतलब दुविधा होती है या कोई परेशानी है तो यातायात पुलिस को फौरन इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करना चाहिए या इंफॉर्मेशन देनी चाहिए। उससे क्या होता है कि जो ये जल्दी जल्दी दुर्घटनाएं होने की संभावना होती है उस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं।
Now now let's come exercise from this chapter. Our first question is read and choose the correct option. First question, the windows of a school bus should have Lindbergh grills. अभी मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था और उसमें मैंने आपको यह बताया था जब आपके बस में विंडोज हैंगी और उसके जो क्या है ग्लासेस हैं तो वो कैसे होने चाहिए, उसकी जो ये विंडोज की जो है ग्लासेस कैसे होने चाहिए, डिजाइंड होने चाहिए, वर्टिकल होने चाहिए, पेंटेड होने चाहिए, हॉरिजेंटल होने चाहिए. तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हॉरिजेंटल. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज. नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज द वर्ड विजिलेंट मीन्स. विजिलेंट का मतलब क्या होता है, हम्बल, क्विक, वेरी केयरफुल टू नोटिस साइन ऑफ डेंजर या डिलीजेंट. वेरी केयरफुल टू नोटिस साइन द डेंजर, जो खतरे के जो साइन है उसको बहुत जल्दी नोट कर सके उसके लिए बहुत केयरफुल हो, इट मीन्स विजिलेंट. थर्ड क्वेश्चन, द वर्ड टैग मीन्स फेलिंग टू गिव इनफ अटेंशन, रश, निग्लिजेंट, मैनेडेटरी, एब्सोल्युटली. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वर्ड दिस सेंटेंस निग्लिजेंट. नेक्स्ट, पेरेंट्स शुड एजुकेट देयर चिल्ड्रेन अबाउट द, जो पेरेंट्स हैं उनके अपने बच्चों को जो एजुकेट करना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, किस बारे में, स्कूल के बारे में, वे के रस्ते के बारे में, ट्रैफिक रूल्स के बारे में और लॉ के बारे में. तो अभी आपने इससे पीछे ही पढ़ा था नेक्स्ट स्टेंजा में कि हमको ट्रैफिक रूल्स के बारे में बच्चों को अवेयर करना चाहिए. लास्ट क्वेश्चन, व्हाइल अलाइटिंग द बोर्डिंग स्कूल बस द चिल्ड्रन शुड बी सुपरवाइज. चिल्ड्रन को कैसा होना चाहिए, सुपरवाइज करना चाहिए, हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए बस में, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है. नाउ लेट्स कम फ्रॉम पेज नंबर 113. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड दैट मीन्स सफिशिएंट इज थ्रस्ट, रैंक्ड, एम्पल, रिमोट. द करेक्ट आंसर इज एम्पल. सेकेंड, सम विलेजर्स डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे आर, कुछ लोगों के पास, गांव वालों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, उसका क्या कारण है, वो बैकवर्ड है, अवे फ्रॉम द सिटी, शहर से दूर है, अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड से दूर है, या नो इलेक्ट्रिक पोल्स, या वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोल्स नहीं है. तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सेंटेंस, अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, जो ग्रिड है उससे वो बहुत दूर है. थर्ड क्वेश्चन, सम विलेजर्स गेट वाटर फॉर ड्रिंकिंग फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक सोलर और इलेक्ट्रिक, जो कौन सा पानी पीते हैं कुछ गांव वाले, सोलर का, सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम होता है उनका. द सोलर एनर्जी डिवाइसेस आर एक्सपेंसिव, ट्रू और फॉल्स, जो सोलर एनर्जी जो डिवाइसेस है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, मतलब बहुत महंगा है, ये सही है गलत है, ट्रू, ये बिल्कुल सत्य है कि वो बहुत एक्सपेंसिव है. फिफ्थ, मोर पीपल विल स्टार्ट यूजिंग सोलर एनर्जी इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी दे आर आस्क्ड टू, द गवर्नमेंट वुड हेल्प टू मेंटेन द सोलर पैनल्स, सोलर एनर्जी इज इंक्रीज. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द गवर्नमेंट वुड हेल्प टू मेंटेन द सोलर पैनल्स. सो स्टूडेंट्स, आई हैव कंप्लीटेड चैप्टर एज वेल एज एक्सरसाइज फ्रॉम दिस चैप्टर. यू विल नोट डाउन योर डायरी एंड व्हेनेवर यू विल कम ऑन सैटरडे यू विल शो मी पर्सनली. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.